बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन प्रीवियस वीडियो हमने जो है वो टेंस के बारे में डिस्कस किया था। इसमें हम टेंस की इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, उसके एडवर्स इफेक्ट और उसके बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था गेट कंट्रोल थ्योरी। अब जो गेट कंट्रोल थ्योरी है वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं फॉर द एक्यूट कंडीशंस, या फिर हम जो लंबो सैक्रल रीजन से जो पेन जनरेट हो रहा होता है उसके लिए गेट कंट्रोल थ्योरी बहुत बेस्ट होती है। बेसिकली इसमें हम जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी और लो इंटेंसिटी का जो है वो टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हम कौन सा टेंस, अभी कौन से टेंस की टाइप यूज़ करते हैं? हाई फ्रिक्वेंसी टेंस यूज़ करते हैं, या हम उसको कन्वेंशनल टेंस भी बोलते हैं, जो कि फॉलो कर रहा होता है सेगमेंटल मैकेनिज्म को। ठीक है, अब जो हाई फ्रिक्वेंसी मैकेनिज्म जो टेंस है वो हम यूज़ करते हैं फॉर द एक्यूट कंडीशन, जिसमें आ जाती है हमारे पास कोई भी माइनर स्पोर्ट इंजरीज हैं, लाइक शोल्डर या लिप कंट्यूजन हो गया, एंकल स्प्रेन हो गया, या लिप फ्रैक्चर हो गया। उसमें हम पहले कोल्ड पैक लगाते हैं, फिर हम टेंस अप्लाई करते हैं, या पैटेलोफेमोरल पेन हो गया, या TMJ का पेन हो गया, या एक्यूट टेंडनाइटिस है, डेंटल पेन है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन है, ऑब्स्टेट्रिक पेन है। इन सब एक्यूट कंडीशंस के लिए हम जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी लो इंटेंसिटी का टेंस यूज़ करते हैं, कन्वेंशनल टेंस यूज़ करते हैं, सेगमेंटल मैकेनिज्म के थ्रू करते हैं, और गेट जो कि गेट कंट्रोल थ्योरी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। ठीक है, सेकेंड हमने थ्योरी पढ़ी थी, दैट इज़ सेंट्रल बायसिंग थ्योरी। अब सेंट्रल बायसिंग थ्योरी में हमने डिस्कस किया था कि वो जो है वो हमारे पास हम यूज़ करते हैं क्रोनिक कंडीशंस में, जब हम यूज़ करना होता है हमें टेंस दैट इज़ ऑफ लो फ्रिक्वेंसी एंड हाई इंटेंसिटी। ठीक है, अब सेंट्रल बायसिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा टेंस वर्क करता है? दैट इज़ लो फ्रिक्वेंसी टेंस या एक्यूपंचर टेंस। ठीक है, जो कि बेसिकली एक्स्ट्रा सेगमेंटल मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा होता है, और ये यूज़ करते हैं क्रोनिक कंडीशंस में, जैसे लो बैक पेन हो गया, रिमोटाइड आर्थराइटिस हो गया, डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज हो गया, कॉजल्जिया हो गया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गया। ठीक है, अब जो बेसिकली एक्यूट कंडीशंस हैं जिनमें जो है वो हम हाई फ्रिक्वेंसी का टेंस यूज़ कर रहे होते हैं, वो कौन कौन सी हैं हम दोबारा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि माइनर स्पोर्ट इंजरी है, जिसमें शोल्डर या रिब की कॉन्ट्यूजन हो जाती है। कॉन्ट्यूजन का मतलब जिसमें स्किन इंटैक्ट रहती है, ठीक है, लेकिन ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एंकल स्प्रेन्स होते हैं, स्प्रेन बेसिकली लिगामेंट की इंजरी होती है। ठीक है, और कॉमनली जो है वो सबसे कॉमन जो है हमारे पास कौन सा लिगामेंट इंजर हो जाता है? मीडियल कोलैटरल लिगामेंट इंजर हो जाता है। उसके अलावा स्ट्रेन जो है वो बेसिकली मसल की इंजरी होती है। उसके अलावा रिब फ्रैक्चर हो जाता है, रिब फ्रैक्चर की वजह से क्या होता है? कार्डिक अरेस्ट हो सकता है। ठीक है, और उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। ठीक है, या तो फिर हमारे पास एक्यूट टेंडनाइटिस है, टेंडन का इन्फ्लेमेशन है, लाइक बाइसेप जो है वो बाइसेप की शॉर्ट टेंडन है, उसमें हमारे पास वो ज़्यादा प्रोन होता है एक्यूट टेंडनाइटिस के लिए। ठीक है, उसके अलावा डेंटल पेन है, जिसमें हम जो है वो बक्सेटर या मेंटल मसल में हम जो है वो यूज़ करते हैं टेंस। ठीक है, जब भी डेंटल पेन होता है। अब ये तो हमारे पास थी एक्यूट कंडीशंस, अब हम डिस्कस करते हैं क्रोनिक कंडीशन जिसमें हम लो फ्रिक्वेंसी टेंस यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास लो बैक पेन आ जाता है। लो बैक पेन जो है वो अगर 59 ईयर से अबव कोई है तो उसके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि डीजनरेशन हो जाती है, लंबर स्पॉन्डाइलाइसिस हो जाता है, उसकी वजह से पेन होता है। या फिर जो यंग अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो उसमें लो बैक पेन जो है वो मसल की टाइटनेस की वजह से हो सकता है, मसल के स्पैज़म की वजह से हो सकता है, डिसलोकेशन की वजह से हो सकता है। ठीक है, उसके बाद रूमेटाइड आर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं वो हमारे पास एक्यूट कंडीशन में नहीं आते, वो हमारे पास जब भी आते हैं तो वो जो है क्रोनिक कंडीशन में ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड जो वो चीज़ है हमारे पास क्रोनिक कंडीशन है, क्रोनिक पेन है, वो डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाता है, स्पॉन्डाइलिसिस आ जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट दैट इज़ कॉजल्जिया। कॉजल्जिया में एग्जाम्पल हम ले सकते हैं रिफ्लेक्स सिंपथेटिक डिस्ट्रॉफी की। नाम से पता चल रहा है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का रोल प्ले कर रहा है, जिसमें जो है वो फ्लाइट और फ्लाइट सिचुएशन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, या तो फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से जो मल्टीपल साइड की पेन की कंप्लेंट आती है, ठीक है, बायलेटरल अपर लिम की या बायलेटरल लोअर लिम की, उसकी वजह से एडिमा भी हो जाता है, स्किन शाइनी सी हो जाती है, स्वेटिंग होती है, पेन होता है। ठीक है, तो वो हमारे पास नर्व इंजरी बेसिकली डिनेट कर रहा था, जिससे सिंपथेटिक इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, अब ये जो है वो क्रोनिक स्टेज में जो सिम्टम्स हैं लाइक एडिमा, स्किन शाइनी, स्वेटिंग, पेन, ये बहुत ज़्यादा जो है वो विजिबल हो जाते हैं, तो इसके लिए हम लो फ्रिक्वेंसी हाई इंटेंसिटी का टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी बेसिकली न्यूरोपैथी जो है वो कोई और डिजीज़ है जो नर्व को इन्वॉल्व कर रही है।
फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर फ्लेक्सर रेटिनिकुलम टाइट हो जाता है तो उसकी वजह से मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है, तो इस तरह हमारे पास पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। या अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, फिब्यूला की हेड का फ्रैक्चर हो गया है, तो उससे भी हमारे पास जो है वो कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज हो रही है। या हम ग्लूटियस मैक्सिमम में इंजेक्शन लगाते हैं तो शैटिक नर्व डैमेज हो जाती है। तो ये बेसिकली कोई और वजह जो है जो नर्व की कंप्रेशन को, नर्व की इन्वॉल्वमेंट का वजह बन रही है, बाइस बन रही है, कोई और डिजीज़ है, तो वो बेसिकली उसे हम जो है वो क्रोनिक पेन में लेते हैं, और उसके लिए हम जो है वो लो फ्रिक्वेंसी हाई इंटेंसिटी का टेंस यूज़ करते हैं। उसके अलावा स्टम्प और फैंटम लेग्स लिम्ब है, ठीक है। स्टम्प क्या होता है? बेसिकली वो रेजिडुअल पार्ट होता है जो लिव एम्पूटेशन के बाद जो है वो रहता है, ठीक है। कोई भी लिप की एम्पूटेशन हुई है किसी बंदे की, उसके बाद जो पार्ट रह गया वो स्टम्प होता है। और फैंटम क्या होता है? बेसिकली वो फॉल्स पेन होता है जो कि बेसिकली जो लिम्ब कट गया है, जो लिम्ब रिमूव हो गया है, बंदे को वो फीलिंग आती है कि वो लिम्ब है और उसमें उसको पेन हो रहा है। इसके अलावा अगर किसी को कैंसर है तो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं हम लाइक जो अगर फॉर एग्जांपल किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो हम उसे T2-T4 के लेवल T2-T4 के लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली लोकलाइज्ड एरिया पे हम यूज़ करते हैं कैंसर के केस में, ताकि हम पेन को रिड्यूस कर सकें। अगर किसी को माइग्रेन हेडेक है तो बेसिकली वो किसके सर्वाइकल मसल की टाइट की वजह से हो रहा है, तो फिर हम उसके लिए यूज़ करते हैं। या किसी को पोस्ट हर्पैटिक पेन है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है जो ट्राइजेमिनल नर्व की डैमेज की वजह से होता है, कंप्रेशन की वजह से होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। कोई भी फेशियल पेन है फेशियल नर्व की वजह से तो उसमें यूज़ करते हैं। या कोई भी मेटास्टैटिक बोन है लाइक जो मेटास्टैटिक बोन बेसिकली क्या होता है कि जो बोन है उसमें कैंसर हो जाता है, उसमें ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाती है, तो बेसिकली हम उधर टेंस यूज़ करते हैं। लेकिन टेंस को उसकी साइट पे नहीं यूज़ करना होता, हमेशा उसकी प्रॉक्सिमली और डिस्टली यूज़ करना होता है मेटास्टैटिक बोन में। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में मॉड्यूलेटेड टेंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें क्या था कि हमने जो एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है, पल्स ड्यूरेशन को हम वेरी करते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं बेसिकली लॉन्ग टर्म, जब हम कन्वेंशनल टेंस को यूज़ कर रहे होते हैं तो तब यूज़ करते हैं। और बेसिकली इसमें क्या इंडिकेशन है कि हम इसे डायबिटिक न्यूरोपैथी में यूज़ करते हैं। और जो इंटेंस टेंस है जिसमें हाई फ्रिक्वेंसी भी हाई होती है, इंटेंसिटी भी हाई होती है, ड्यूरेशन कम होता है, उसको हम यूज़ करते हैं वुंड ड्रेसिंग के लिए या सूचर के रिमूवर के लिए, ठीक है। अब अगर हम बेनिफिट्स देखें टेंस को, तो टेंस बेसिकली नॉन इन्वेसिव है, इसके लिए इन्वेजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनएक्सपेंसिव है, सेल्फ एडमिनिस्टर्ड है, ठीक है। उसके बाद इसके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर एडवर्स इफेक्ट हो भी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि स्किन इरीटेशन हो जाती है, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो जाती है जिस जगह इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है उसके नीचे, कुछ पेशेंट्स में नौजिया और वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती है, फेंटिंग की फीलिंग आती है। और बेसिकली हम इसे 4 ईयर से अबव जो लोग हैं उनको हम देते हैं, ठीक है। 4 ईयर से कम बच्चों को नहीं अप्लाई करते, और जिनकी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है तो उनमें जो है ये थोड़ा हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखें। कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या है कि अगर कोई पिन डायग्नोस नहीं हुआ हुआ, अनडायग्नोस है, तो उस कंडीशन में हम टेंस यूज़ नहीं करते। अगर पेसमेकर लगा हुआ है तो उस कंडीशन में हम टेंस यूज़ नहीं करते। हम बेसिकली टेंस अप्लाई भी करें तो राइट शोल्डर पे करते हैं, लेफ्ट शोल्डर को अवॉइड करते हैं, लेफ्ट ट्रेपीजियस को अवॉइड करते हैं, ठीक है। एंजाइना के केस में हम टेंस यूज़ नहीं करते, हार्ट डिजीज़ में हम टेंस यूज़ नहीं करते, एपिलेप्सी में नहीं करते, प्रेगनेंसी में जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम कोई मॉडलिटी यूज़ नहीं करते, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम ओवर द यूट्रस तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी फिर हम अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद करेटेड साइनस के ऊपर नहीं अप्लाई करते, क्योंकि ये हाइपोटेंसिव इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर देता है। उसके अलावा जो है वो कोई स्किन जो है ब्रोकन हुई हुई है, कहीं पर ब्लीडिंग है, कोई एलर्जी है, ठीक है, कहीं हम उधर अप्लाई नहीं करते। इंटरनल एरियाज़ में अप्लाई नहीं करते, लाइक माउथ के अंदर हम अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। या अगर इमेंटेशन या सेंसेशन इम्पेयर्ड है तो तब हम ये अप्लाई नहीं करेंगे टेंस। Last but not least, important questions for FUIC students are mentioned in description box. Thank you. Please subscribe my channel, like my video and also share it. Thank you.